हेलो चिल्ड्रन, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम इज मनी एंड टुडे पेज नंबर इज 151, सेल्फ प्रैक्टिस 9A। सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड सॉल्व इट इन योर कॉपी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर 1A, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। सो क्वेश्चन नंबर ए इज 13 रुपीज, सो राइट इन फर्स्ट रुपीज सिंबल, पुट द रुपीज सिंबल, क्वेश्चन नंबर 1A रुपीज सिंबल, देन जस्ट राइट 13, 1, 3, क्लियर। देन द क्वेश्चन नंबर बी, सी द क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इज 80 रुपीज, सो सिमिलरली जस्ट पुट द सिंबल ऑफ रुपीज एंड जस्ट राइट 80। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी इज 55 रुपीज एंड 90 पैसे, देन पुट अगेन रुपीज सिंबल, देन 55.90। देन द क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी इज 75 रुपीज एंड 30 पैसे, सो 75.30, सो पुट फर्स्ट द सिंबल ऑफ रुपीज, देन 75.30। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई इज 12 रुपीज एंड 8 पैसे, सो पुट द रुपीज सिंबल, देन 12.08, क्लियर। देन द क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ इज 200 रुपीज एंड 85 पैसे, सो राइट रुपीज सिंबल फर्स्ट, देन 200.85। देन द क्वेश्चन नंबर जी जस्ट ओनली 85 पैसे, सो पुट फर्स्ट सिंबल ऑफ रुपीज, देन 0.85, क्लियर। देन एच इज 65 पैसे, सो सिमिलरली पुट द सिंबल ऑफ रुपीज, देन 0.65। ओके, देन आई इज 3 पैसे, सो जस्ट पुट द रुपीज सिंबल एंड 0.03, क्लियर। जे, नेक्स्ट इज जे, 50 रुपीज 10 पैसे, सो फर्स्ट रुपीज सिंबल, देन 50.10। देन आवर नेक्स्ट मैथ इज के इज 80 पैसे, सो जस्ट पुट द रुपीज सिंबल, देन 0.80, या देन लास्ट मैथ इज एल 600 रुपीज एंड 45 पैसे, सो फर्स्ट पुट द सिंबल ऑफ रुपीज, देन 600, राइट 600.45। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट, सेट एंड सॉल्व इन योर कॉपी। देन आई गो टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर टू सेज राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन वर्ड्स, सो राइट इन वर्ड्स, सो जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A इज 30 रुपीज 38.65, सो राइट द 30 THIRTY 38 रुपीज रुपीज एंड 60.65 पैसे। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इज रुपीज 50.08, सो 50 रुपीज एंड 8 पैसे, ओके। देन क्वेश्चन नंबर सी,
See the next question. See, rupees 225.05 means 5 paise. So write 5 rupees and 5 paise. Okay. Then the question number D. Question number D is rupees 6.65. Just write SIXTY 65 paise. Clear? Then question number E. Okay. Then see the question number E. Question number E is 13.50. Rupees 13.50. So 13 is spelling. 13 rupees and 50 paise. Clear? Then your last math is question number F. Question number rupees 560.15. So 560 rupees and 15 paise. So 5 5 560 rupees and 15 paise. Clear? Okay. So then question number 1 and question number 2, with the help of this video, you just solve it in your copy. Okay. So thank you.